हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलएनजेई। माई सेल्फ अविनेश सैनी, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है क्वांटम टनलिंग। क्वांटम टनलिंग स्टूडेंट्स, आपको पता होगा, आपने न्यूक्लियर फिजिक्स में दो प्रोसेस पढ़े होंगे, अल्फा डीके एंड बीटा डीके। जो न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो न्यूक्लियस के पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करके बाहर आ सकें। फिर भी वो न्यूक्लियस से बाहर आते हैं, एंड दैट प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू आते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्वांटम टनलिंग। तो देखिए, एक्चुअल में है क्या, अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग सोचें, न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, तो अगर हमारा इस टाइप का कोई एनर्जी बैरियर है, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, और एक पार्टिकल इस तरफ है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है यू नॉट, और इस पार्टिकल के पास एनर्जी है ई। तो ये पार्टिकल अभी ए पर है और ये हमें बी पर चाहिए। तो जो इस पार्टिकल की एनर्जी ई है, इसे पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करके जाना है। ये क्रॉस करके बी पर तभी जा सकता है व्हेन ई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू यू नॉट, देन ओनली इट विल बी एबल टू रीच एट बी, क्योंकि इसको पूरा ये पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। पोटेंशियल बैरियर मतलब पहाड़ बना हुआ है। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग अगर ई की वैल्यू यू नॉट से कम है, देन देयर इज नो वे दैट दिस पार्टिकल कैन बी फाउंड एट बी। तो ये पार्टिकल बी पर नहीं हो सकता। बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, दैट इवन इफ ई इज लेस देन यू नॉट, देन दिस पार्टिकल हैव अ प्रोबेबिलिटी टू बी फाउंड एट बी, और जिस प्रोसेस के थ्रू वो बी पर पाया जाएगा वही प्रोसेस कहलाता है क्वांटम टनलिंग। किसी पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतनी नहीं है, और फिर भी वो क्रॉस कर गया, दैट इज कॉल्ड क्वांटम टनलिंग। अब इस क्वांटम टनलिंग को समझने के लिए, ये तो पोटेंशियल बैरियर है, इससे पहले आपको पोटेंशियल वेल को समझना पड़ेगा। पोटेंशियल वेल मतलब इस टाइप का कुछ ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी का, दिस इज अ पोटेंशियल वेल, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी यू नॉट है और इसमें पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो अगर किसी पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी है ई के बराबर, तो इस पोटेंशियल वेल में ही ऑसिलेट करता रहेगा, और जब पोटेंशियल वेल में ऑसिलेट करता रहेगा, सो अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये पार्टिकल यहां पर स्टैंडिंग वेव बनाएगा और उस पार्टिकल के बाहर भी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी। न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग वो पार्टिकल केवल इसी में घूम सकता है, लेकिन अगर वो एलिमेंट्री पार्टिकल है, तो अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वो पार्टिकल अंदर तो स्टैंडिंग वेव बनाएगा ही, जो कि साइनोसॉइडल होंगी, लेकिन बाहर भी वो पाया जा सकता है। अब ये किस तरीके से होता है, देखिए, ये तो सिंपली वही बात है जो मैंने आपको बताई, ये पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ है, सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। अगर पार्टिकल की एनर्जी E1 है तो वो दूसरी तरफ नहीं हो सकता है। हाँ, अगर उसकी पार्टिकल की एनर्जी E2 के बराबर है, फिर वो इसको पार करके दूसरी तरफ जा सकता है। ये पोटेंशियल बैरियर की कहानी है अकॉर्डिंग टू न्यूटन। श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग वो पार्टिकल अगर E1 एनर्जी भी रखता है तो भी उस तरफ जा सकता है। उसे समझने के लिए हमें पहले पोटेंशियल वेल को समझना होगा। दिस इज अ पोटेंशियल वेल, पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो विद इन द पोटेंशियल वेल, मतलब एक्स इक्वल टू जीरो से एल तक, एंड हैज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू यू नॉट आउटसाइड द वेल, इसके बाहर वैल्यू कॉन्स्टेंट है। तो अगर कोई पार्टिकल इस पोजिशन पर है, मान लीजिए, और उसकी एनर्जी ई है, एंड ई इज लेस देन यू नॉट, तो न्यूटन की फिजिक्स क्या कहती है कि पार्टिकल बाहर नहीं जा सकता, इसी में ऑसलेट करता रहेगा, इसी में ऑसिलेट करेगा। और अगर हम पार्टिकल को वेव कंसीडर करें, सो इट कैन मेक स्टैंडिंग वेव बिटवीन इन दिस पोटेंशियल वेल, राइट। तो यहां पर आप देख सकते हैं अ पॉसिबल वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल इन अ फाइनाइट पोटेंशियल वेल। श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग अब जब क्वांटम मैकेनिक्स में आते हैं, तो इस पार्टिकल का जो पॉसिबल वेव फंक्शन होगा, द फंक्शन इज साइनोसॉइडल इनसाइड द वेल, तो अंदर साइनोसॉइडल फंक्शन होगा, एंड एक्सपोनेंशियल आउटसाइड इट, इसके बाहर वो एक्सपोनेंशियल होगा। स्टूडेंट, ये कहां से आया डेरिवेशन, दैट इज बियॉन्ड आवर स्कोप, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब पार्टिकल इसमें ऑसिलेट करेगा, तो उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है न्यूटन के अकॉर्डिंग वो पोटेंशियल वेल से बाहर जा पाए, लेकिन अंदर जब वो पोटेंशियल वेल में घूमेगा,
तो वो वहाँ पर साइनोसॉइडल फंक्शन बनाएगा इनसाइड द वेल, जिसकी इक्वेशन कुछ ऐसी होगी जैसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ए कोस अंडर रूट 2me/hx, ये जो h बार लिखा हुआ है दिस इज एक्चुअली h/2π वेयर h इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, और ये दूसरा फंक्शन है। बट अगर हम श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग देखें तो इसके बाहर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन बाहर उसका फंक्शन साइनसॉइडल नहीं है, बाहर उसका फंक्शन है एक्सपोनेंशियल। इसे आप एज अ रिजल्ट याद रख सकते हैं। और दूसरी बात याद रखिएगा, द फंक्शंस मस्ट ज्वाइन स्मूथली एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 12। ये दोनों फंक्शन x इक्वल टू 0 पर और x इक्वल टू 12 पर कंटिन्यूअस एंड डिफाइंड होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए और डेरिवेबल होने चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होने चाहिए। तो इनसाइड साइनसॉइडल वेव फंक्शन होगा, आउटसाइड एक्सपोनेंशियल वेव फंक्शन होगा। ये पॉइंट अगर आप केवल याद रख लेंगे तो भी काम हो जाएगा, बिकॉज सॉल्विंग दिस इज बियॉन्ड आवर स्कोप। वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वांटम मैथमेटिक्स लगता है, क्वांटम मैकेनिक्स लगती है। इसी को अगर हम उल्टा करके देखें, अब पोटेंशियल एनर्जी बैरियर पोटेंशियल वेल का जस्ट उल्टा होता है। अ रेक्टेंगुलर पोटेंशियल एनर्जी बैरियर ऑफ विड्थ एल हाइट यू नॉट, हाइट यू नॉट है, कोई पार्टिकल अगर इधर है लेफ्ट वाले रीजन में एक्स लेस देन जीरो में, और उसके पास एनर्जी ई है एंड विच ई इज लेस देन यू नॉट, देन पार्टिकल कैन नॉट पास ओवर दिस बैरियर बट कन्फाइंड टू द साइड वेयर इट स्टार्ट्स। अगर वो x इक्वल टू जीरो पर स्टार्ट कर रहा है तो इधर ही पाया जाएगा, x ग्रेटर देन l पर स्टार्ट कर रहा है तो राइट में पाया जाएगा, लेकिन लेफ्ट से राइट में नहीं जा सकता, राइट से लेफ्ट में नहीं आ सकता। ये कौन कहता है? दिस इज सेड बाय न्यूटन। श्रोडिंगर ये कहते हैं कि जिस तरीके से पोटेंशियल वेल था जिसके अंदर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा था, वहां उसका फंक्शन साइनोसॉइडल था और उसके बाहर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी वो एक्सपोनेंशियल थी। सिमिलरली यहां जस्ट उल्टा होगा, उसके पास इतनी एनर्जी है कि वो लेफ्ट में या राइट में तो रह सकता है, तो लेफ्ट और राइट में उसका फंक्शन साइनोसॉइडल होगा और अंदर उसके पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो फंक्शन एक्सपोनेंशियल होगा। ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अ पॉसिबल वेव फंक्शन फॉर पार्टिकल टनलिंग थ्रू द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, अगर उसने लेफ्ट से स्टार्ट किया है तो लेफ्ट में उसका वेव फंक्शन साइनोसॉइडल है, क्योंकि इतनी एनर्जी उसके पास एक्चुअल में है कि वो लेफ्ट में रहे, बट इट हैज अ प्रोबेबिलिटी टू टनल थ्रू दिस पोटेंशियल बैरियर। और यहां फिर से देखिए वो जो फंक्शन है वो कैसा हो गया? एक्सपोनेंशियल। और जब बाहर जाएगा तो ऑब्वियसली इस तरफ जो वेव बन रही है वो लेफ्ट हैंड साइड वाली वेव से उनका एम्पलीट्यूड तो कम दिख रहा है, क्योंकि कुछ एनर्जी वो यहाँ बीच में लॉस किया होगा, बट जो फंक्शन है x इक्वल टू जीरो पर x इक्वल टू एल पर, द फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव आर कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू एल, सो दैट साइनोसॉइडल एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ज्वाइन स्मूथली। ये जो दोनों फंक्शन है, जो बाहर साइनोसॉइडल फंक्शन बनेगा और अंदर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनेगा, दे मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट द बाउंड्री ऑफ पोटेंशियल बैरियर। दिस नेचर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स मेक्स अल्फा एंड बीटा पार्टिकल टू टनल थ्रू द न्यूक्लियस, अदरवाइज उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो न्यूक्लियस के पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करके बाहर आ सके, राइट? तो ये तो हमें पता था कि भाई अल्फा और बीटा पार्टिकल न्यूक्लियस से बाहर आ रहे हैं, और हमें यह भी पता था कि उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो बाहर आ सके, तो न्यूटन के पास उसका कोई सोल्यूशन नहीं था। उसका सोल्यूशन कहां से मिला? श्रोडिंगर से। उसने वेव फंक्शन बनाया तो ये पाया कि अंदर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, इससे पास होने की प्रोबेबिलिटी है, हालांकि वो बहुत कम है। उसका फॉर्मूला भी है, द प्रोबेबिलिटी टी दिस इज GE^-2kL, जहां पर G ये होता है 16E/U0 1-E/U0। U नॉट क्या है? टोटल एनर्जी जो चाहिए उस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करने के लिए, और E क्या है? वो एनर्जी जितना पार्टिकल के पास है, एंड क्लियरली जो E है, E इज लेस देन U नॉट। और ये K क्या है? K इज अंडर रूट 2mU0-E/h, ये जो h क्रॉस ऐसे लिखा हुआ है, दिस इज h/2π, h/2π होता है। सो दिस इज फार्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ टनलिंग, उसके टनल करने की प्रोबेबिलिटी इतनी होती है, ये वैल्यू बहुत कम है।
मतलब इट हैव वेरी माइन्यूट प्रोबेबिलिटी टू टनल थ्रू द न्यूक्लियस, बट स्टिल इट हैव चांसेस टू टनल थ्रू द न्यूक्लियस. दैट्स वाई वी गेट अल्फा एंड बीटा पार्टिकल आउटसाइड द न्यूक्लियस ड्यूरिंग रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन. सो आई एम श्योर कि आपको ये पॉइंट्स डेफिनेटली क्लियर हो गए होंगे. यहाँ पर जो मैंने लिखा था वो था दिस E इज लेस देन यू नॉट, और ये जो H बार है ये है H बाय 2 पाई. L इज द विड्थ ऑफ पोटेंशियल बैरियर, द प्रोबेबिलिटी डिक्रीजेज रैपिडली विद इंक्रीजिंग बैरियर विड्थ L. जितना पोटेंशियल बैरियर बड़ा होगा तो प्रोबेबिलिटी उतनी कम होगी. इट ऑल्सो डिपेंड्स क्रिटिकली ऑन द एनर्जी डिफरेंस यू नॉट माइनस ई, दोनों के एनर्जी डिफरेंस पर भी डिपेंड करता है. विच इन न्यूटोनियन फिजिक्स इज द एडिशनल काइनेटिक एनर्जी दैट पार्टिकल वुड नीड टू बी एबल टू क्लाइम ओवर द पोटेंशियल बैरियर. वो एडिशनल काइनेटिक एनर्जी होगी. आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर ये पोटेंशियल बैरियर है और यहाँ एनर्जी यू नॉट है, पार्टिकल इस तरफ है, उसके पास एनर्जी ई है. अगर ई की वैल्यू यू नॉट से ज़्यादा है तो वहाँ जाने के बाद भी उसके पास कितनी एनर्जी बची रहेगी, ई माइनस यू नॉट. लेकिन अगर उससे कम है, ये जो ई है ये यू नॉट से कम है, तो यू नॉट माइनस ई इतनी एनर्जी उसे और चाहिए, वही लिखा हुआ है. इज द एडिशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल दैट वुड नीड टू क्लाइम द बैरियर, उसको क्लाइंब करने के लिए इतनी एनर्जी की और ज़रूरत है. श्रोडिंगर ने बताया कि भैया इसको क्लाइंब करने की ज़रूरत नहीं है, ये इससे टनल करके भी पास हो सकता है, लेकिन बाहर साइन फंक्शन होगा और अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा. इन रिजल्ट्स को अगर आप केवल याद भी रखेंगे तो भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा. और इस क्वेश्चन को अगर आप जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कॉम्प्रिहेंशन में बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है. कॉम्प्रिहेंशन में जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है वो सारा कॉम्प्रिहेंशन में एक्सप्लेन कर देंगे कि ऐसा ऐसा होता है, टनलिंग प्रोबेबिलिटी ये होती है, और उसके बाद फिर यू नॉट यू ई इन सब की वैल्यू देकर आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ जाएंगे. सो स्टूडेंट, ये बड़ा ही अच्छा और बहुत कम समझने वाला टॉपिक है. कम समझने वाला मतलब जो कम समझ में आता है. एंड आई एम श्योर कि आप इसको दो चार बार देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे अल्फा और बीटा पार्टिकल न्यूक्लियस से बाहर निकल जाते हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच.